हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी परीक्षा से जुड़ा हुआ बहुत सारे आपके कमेंट्स जो है और व्हाट्सअप में मेरे पास आ रहे थे, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने रिजल्ट जो है वो भेजे हैं। उन्होंने पूछा है कि सर ये क्या है प्रायोरिटी मार्क्स और रॉ मार्क्स, हाउ कैन इट पॉसिबल कि कल कैसे हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोग तो नॉर्मलाइज प्रायोरिटी और रॉ मार्क्स जो है वो सभी मार्क्स जो है वो इक्वल आपके जो है वो दिए गए हैं। तो कभी इस सब का जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक टेक्निकल एरर है फ्रेंड्स, और ये ऑथेंटिक एरर है, मैं आपको ये फिर भी बताऊंगा। और ये जो है इस फिर भी इसकी आंसर की जो है वो दोबारा रिलीज़ की जाएगी। ये एक के साथ नहीं हुआ है, ऑथेंटिक एरर है, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको एक एक करके जो है वो सबके बताऊंगा। और पार्ट बी का इशू कार्ड जो है वो फिर से जारी होगा, अपडेट होगा, ये तो आपको जो है निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, श्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्या होगा और ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड आपको जो है नॉर्मलाइजेशन में हुई बड़ी गलतियाँ, कौन कौन सी गलतियाँ आपको नॉर्मलाइजेशन में हुई हैं, मैं आपको एग्जैक्टली वो दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपके एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्योंकि मुझे व्हाट्सअप पर सबको रिप्लाई देना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड चलते हैं रिजल्ट। तो फ्रेंड, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। वैसे तो मेरे पास जो है रात जो हमने स्ट्रीमिंग किया था तो हमने कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों से जो है वो बात किया था। तो 3000 से ज़्यादा लोगों ने जो है अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर वो उन्होंने SMS भेजे हैं, और उनके कई सारी क्वारीज हैं। फेसबुक पेज पर उन्होंने बहुत सारे SMS भेजे हैं, तो उन सब के जो है वो रिजल्ट हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। और ये RRB भोपाल से अप्लाइड किया हुआ है, उसका रजिस्ट्री नंबर रोल नंबर ये है आपका, मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी हैं ये। इन्होंने कुल मिलाकर 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इसके बाद उन्होंने 53 इनके करेक्ट थे और इतने जो इनके क्वेश्चन गलत थे। और बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर किए, इन्होंने कोई क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया था, सारे क्वेश्चन जो इन्होंने वो अटैम्प्ट ही किए थे। और फ्रेंड यहाँ पर बात करते हैं कि इसके जो है टोटल वैलिड क्वेश्चन जो है वो 100 नंबर थे उस समय, और यहाँ पर जो है वो रॉ मार्क्स इनके हैं 47.066, ठीक है, 40.166 इनके प्रोरेटेड मार्क्स हैं। तो ये जो है आपका एक बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है, और इनके ही नहीं और नॉर्मलाइजेशन की यदि बात करें तो इनके बहुत नंबर जो है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं, करीब करीब 16 नंबर इनके जो है इंक्रीज यहाँ पर हो गए हैं। तो मैं आपको और दिखाता हूँ फ्रेंड, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा कि आपका कट ऑफ जो है एक। आप ये देखिए फ्रेंड रिजल्ट देखिए, आप जो है ये आपका 11/31 पे है, जब हमारी स्ट्रीमिंग चल रही थी तभी हमारे फेसबुक पेज पर जो है वो एक स्टूडेंट ने भेजा था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए 31.33 इसका जो है वो रॉ मार्क्स हैं, और आपका जो है ये प्रोरेटेड मार्क्स इसके जो है वो 31.33 ही हैं। और यहाँ पर नॉर्मलाइज होने के बाद जो है इसके माइनस जो है इसके मार्क्स जो है वो 0.3 जो है वह इंक्रीज हुए हैं। तो ये जो है बहुत कम ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जो है इस प्रकार से हुआ है कि बहुत किसी के कम ज़्यादा हुए हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन आपका डिफ़िकल्टीज़ में हुआ था फ्रेंड, 22 और 23 की जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 22-23 में, उसका जो है वो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है केवल, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं हुआ है क्योंकि वो जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एरर्स हैं, तो इस बात की आप निश्चिंत रहिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब आपका स्ट्रीमिंग चल रहा था कि आपके जो है वो जो कट ऑफ है इसका जो आंसर की आपका रिवाइज वो दोबारा आएगा। आपको 6 तारीख तक जो है वो रिजल्ट जो है वो दिया गया है, और ऑब्जेक्शन का टाइम आपको जो है वो 25 तारीख तक जो है दिया गया है कि 25 तारीख तक अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड आप जो भी फिलहाल आपको ये करना है, तो जो भी आपके ऑब्जेक्शन है आप ऑब्जेक्शन उठाइए आज तक पर, जो भी अपने क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगता है, उसके बाद फ्रेंड देखते हैं कि इसका जो है वो नया आप जो है क्या अपडेट आता है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो ट्वीट भी किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से लोगों ने ट्वीट किए हैं। तो रेलवे जरूर जिस वक्त में जो है संज्ञान लेगा, और कोई भी आपकी क्वारीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में तो कीजिएगा ही। तो ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड स्क्रीन पर, ये विजय मिश्रा जी ने एक ट्वीट किया था, और उन्होंने अपने साथ में रिजल्ट भी जो है वो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अरे भोपाल और इलाहाबाद को, सर ये 3 क्वेश्चन इग्नोर होने के बाद भी रॉ मार्क्स एंड प्रोरेटेड मार्क्स आपको जो है वो सेम कैसे हो सकते हैं, RRB की मिस्टेक की वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। तो ये इन्होंने लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल सीधी सीधी आपकी ही आवाज़ उठाई है इन्होंने, तो इनका जो है ज़रूर सपोर्ट किया जाना चाहिए। आप सभी लोगों से मैं एक बात कहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल जो है वो RRB रेलवे मिनिस्ट्री को जो है आप ट्वीट करें, रेलवे बोर्ड को ट्वीट करें, अपने जो भी आपका RRB दिया गया होगा आप उसको जो है आप फिलहाल जो है वो ट्वीट करें, ठीक है। उसके बाद आपसे जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल लेकिन वो सेकंड इसका कट ऑफ तो जारी होना ही है, सेकंड आपका रिवाइज्ड जो आपका आंसर की है वो तो आना ही है। तो बस इतना बताने के लिए आपको ये वीडियो मैंने बनाया था फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। कोई भी क्वारी जो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड आपने जो है
आप हमें से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे कभी भी जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई टेंशन बिल्कुल अपना तनाव ऊपर मत लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका मेन मकसद यही है नौकरी पाना, लेकिन ऐसा तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय हम और आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। रेलवे जो भी करेगा रेलवे करेगा, तो ज़रूर आने वाले समय में रेलवे जो है स्टूडेंट्स का ख्याल रखेगा ही रखेगा। थैंक यू वेरी मच।